देखो भाई, एक लड़की ने कहा गुड नाइट सर, मुझे माफ करो। बेटा इसका मतलब है अब मेरा साहस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मैं अकेला तुम इतने सारों को हराने के लिए तैयार हूं। क्योंकि एक एक करके तुम ऐसे गिरते जाओगे ना, तो इसका मतलब है मैं समझ जाऊंगा कि तुम में वो है ही नहीं, तुम तो ऐसे ही बेवकूफ की ऐसे ही बेकार वाली बातें करते हो, ठीक है ना। चलो ये तो पता चला कि तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सपने अपने नए माँ बाप सब फाड़ में जाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जब जिसको सपनों से ज्यादा नींद प्यारी हो सकती है ना भाई, वो मेरा ये मानना है। खैर मैं क्या ही बोलूं, मैं ऐसा वर्ड बोल जाऊंगा जो गलत हो जाएगा, कि बस वो कभी अपने मुंह से ये नाम ना ले जरा, नहीं। क्योंकि जिसके माँ बाप से बढ़ के सपनों से बढ़ के नींद प्यारी हो सकती है ना, तो उसको मैं ये कहूंगा कि वो मेरे सामने तो आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। और अपनी नजरों में अगर शर्म लिहाज हो तुम्हें थोड़ी बहुत भी, कि हाँ किस तुम्हारे माता पिता ने 20 साल तुम्हें पाला और तुम उनके लिए 2-4 रात नहीं जग पाए, तो अपनी नजरों में ही गिर जाना, ठीक है, और पढ़ लेना जरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लड़कों ऐसे तो चाहिए भी नहीं हमें भाई। जो एक रात नहीं जग पाया, तुम्हें तो बॉर्डर पे अगर खड़ा भी कर दिया और बोला 2 रात जागना पड़ेगा -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तुम्हें पता है सियाचिन में कितनी ठंड में हमारे फौजी खड़े होते हैं, तुम तो वहां से छोड़ के भागा हो। तो तुम्हें उस मां की सेवा के लिए भेजा जा रहा है, तू तो पीछे बोला मैं तो सोऊंगा मैं जा रहा हूं। तो तुम्हारे जैसे लोगों को तो ऐसे तो चाहिए ही नहीं उन लोगों को, क्योंकि आज तक का इतिहास भारत का ये कहता है कि किसी भी सिपाही ने, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया। क्योंकि कदम पीछे हट गया तो पीठ पे गोली खाता। तो ऐसा पता नहीं, हम भारतीयों के खून में ऐसा कुछ है कि जब बात देश प्रेम की आती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे, मान लो उनको पता था कि तुम्हारी मौत होगी, शहीद हो जाओगे, तो तुम्हारे माता पिता बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह पता था कि मेरे मरने से तो वो बर्बाद होंगे, अगर मैं पीछे हट गया, मैं भाग गया ना, तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, दुश्मन हमारे घर में घुस जाएगा, और तुम अपनी माँ की, अपने भारत माँ की रक्षा नहीं कर सकते, अब उसकी इज्जत नहीं बचा सकते, तो तुम किसकी इज्जत बचाओगे? तुम्हें तो लड़का होने पे भी मुझे शर्म आती है तुम्हारे। अगर तुम में से कोई ऐसा है, तुम ये कहो सर डाटा खत्म हो गया तो बात समझ आती है, तुम ये कहो सर कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आती है, तुम ये कह दो कि सर बस मेरे बस की नहीं हो गया, थक गया ये, तो तुम समझदार हो भी उसे। क्योंकि ये मत सोचना कि बस आज ही तो सो रहा हूं, कल तो ट्रेनिंग में जाऊंगा तो फौलादी हो जाऊंगा। भेड़िए कभी शेर नहीं बनते, शेर बचपन में भी शेर होता है और बुढ़ापे में भी और मरते दम तक शेर होता है। तो जो जिगर उसके अंदर बचपन में होता है वो वहां भी होता है। तुम ये कहो नहीं मैं तो वहां जाके ये हो जाऊंगा, तुम हो नहीं, तुम एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घुटने टिक जाएंगे, तुम बोलोगे मैं छोड़ के जा रहा हूं, और ना छोड़ के भागने वाला कभी नहीं भागता। तो ये मत सोचना कि इसीलिए तो एनडीए में क्यों बाहर होते हैं। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट होता ना, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट होता तो मैं जिंदगी में कभी ऐसे बच्चे को रिकमेंड ना करूं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ऐसे यूं पहचान लेते हैं, यूं जब जीटीओ होता है ना, जब फट्टा बल्ली लगते हैं तो उन्हें क्या कोई मजा आ रहा है फट्टा बल्ली लग, वो इतना वो चाहते हैं कि कौन टूटे इनमें से, वो देखने कमियां ढूंढते हैं और यूं निकालते हैं 2 सेकंड में बाहर। तुम कहते हो ना क्यों बाहर होते हैं, इसलिए बाहर होते हैं, तुम्हें लगता पता नहीं वहां क्या देखते हैं, तुम्हारे अंदर यही तो जज्बा देखते हैं कि जब ये यहां नहीं रुक सकता तो ये वहां क्या, इसे -45 में तो ये वैसे कांप के मर जाएगा। लेकिन हनुमंत थप्पा को याद करो, 7 दिन तक बर्फ में पड़ा रहा लेकिन पीछे नहीं हटा, वो चाहता वो भी भाग जाता, वो कहता मैं क्यों करूं भाई। लेकिन ये है फौजियों का जुनून, तुम फौज के लायक नहीं हो फिर।